इस वीडियो में हम बनाएंगे ब्लाउज के बच्चे वाले कपड़े से वेस्ट में बेस्ट मोबाइल पॉकेट कवर बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे खूबसूरत सा अच्छा मोबाइल पॉकेट कवर तो आइए वीडियो शुरू करते हैं मेरे पास यहाँ पर ब्लाउज का कपड़ा बच्चे वाला है पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे इसकी लंबाई ली है मैंने आठ इंच और चौड़ाई में लूँगी पाँच इंच मोबाइल बड़ा होगा तो आप साढ़े पाँच इंच भी ले सकते हैं दूसरे साइड से भी आठ इंच पर निशान लगा लूँगी और सभी निशान को जोड़ दूंगी अब इसकी कर लेते हैं कटिंग मैंने यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर ली है दोनों को बीच में से भी कट कर लेंगे यह कपड़ा थोड़ा लूज है इसलिए कपड़े को एक अस्तर एक्स्ट्रा लगाऊंगी ऐसे अस्तर की दो ही कटिंग होना पर कपड़ा थोड़ा लूज है तो मैं तीन कटिंग ले रही हूँ अब अस्तर को डबल फोल्ड के मेन फैब्रिक पर रख के मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और उसी तरह अस्तर को स्पंज के सीट पर रखकर स्पंज की भी कटिंग कर लेते हैं मैंने यहाँ पर स्पंज की भी कटिंग कर ली है अब हम मेन फैब्रिक का सामने का भाग लेंगे और उसको अस्तर लगा लेंगे पीछे वाले भाग की कटिंग लेंगे उसके ऊपर रख देंगे स्पंज की कटिंग और अस्तर की कटिंग और तीनों साइड से लगा लेंगे सिलाई और ऊपर के साइड से इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे मैं यहाँ पर सामने की कटिंग ले रही हूँ उसके ऊपर के साइड से ढाई इंच पर निशान लगाएंगे, दूसरे साइड से भी ढाई इंच पर निशान लगाएंगे और बीच में भी ढाई इंच पर निशान लगाएंगे। और तीनों निशान को जोड़ देंगे और इसकी अब कर लेते हैं कटिंग यह आप दो इंच भी ले सकते हैं अब दोनों के बीच में लगा लेते हैं चैन Osionfish. दोनों भी कपड़े को फोल्ड करके चेन को लगाना है कपड़े को इस तरह फोल्ड करके चेन पे रखेंगे और सिलाई लगा लेते हैं और दूसरे वाले कपड़े को भी फोल्ड करके दूसरे साइड से रख देंगे और पूरी सिलाई लगा लेते हैं इस तरह मैंने चेन को अटैच कर लिया है अब एक्स्ट्रा चेन को कट कर लेते हैं दूसरे साइड से भी एक्स्ट्रा चेन को कट कर लेंगे इस तरह की एक गोटे की लेस लेंगे इसको ऊपर के साइड से अंदर से अटैच करेंगे ऊपर के साइड से इसको गोट लगाएंगे एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेते हैं लेस को पलट के प्रेस कर लेते हैं और दूसरे साइड से सिलाई लगा के गोट तैयार कर लेंगे ऊपर के साइड से इस तरह से गोट लग जाएगा अब चेन के दोनों साइड से सुई धागे से टाके लगा लेंगे ताकि सिलाई करते हुए हम गुटके को इधर उधर सरकाएंगे तो गुटका बाहर ना निकले दूसरी साइड से भी टाके लगा लेते हैं तरह के पाउच हम कोई भी मैचिंग साड़ी पर बना सकते हैं ऊपर के साइड को इस तरह की गोटे की लेस लगाएंगे इसके लिए हम टेप से पावन पाउन इंच पर निशान लगाएंगे दूसरे साइड से भी पाउन पाउन इंच पर निशान लगा लेंगे स्केल से इस तरह लाइन खींच लेंगे जिससे गोटा पट्टी लगाने को आसानी जाएंगी अब हम लाइन के ऊपर इस तरह गोटा पट्टी रख के सिलाई लगा लेंगे सभी लाइन पर गोटा पट्टी रख के इस तरह सिलाई लगा लेंगे मैंने यहाँ पर दोनों साइड के कटिंग पर गोटा पट्टी लगा ली है चेन वाले कटिंग के ऊपर अस्तर की तीसरी कटिंग रख के ऊपर के साइड से फोल्ड करके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे दोरी बनाने के लिए तीन इंच लंबा और एक इंच चौड़ा कपड़ा लूंगी कपड़ा लूज है इसलिए सेम साइज में अस्तर का कपड़ा भी लूंगी दोनों साइड से फोल्ड करके बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर गोटा पट्टी लगा के सिलाई लगा लेते हैं हुक बटन अटैच करने के लिए दोरी तैयार हो जाएंगी ऊपर वाले कपड़े को अस्तर लगा लिया है इस तरह मिनी पॉकेट तैयार हो गया है इसमें पैसे या छोटी चीज़ कुछ भी रख सकते हैं लेंगे नीचे वाली कटिंग को उल्टा रख देंगे उसके ऊपर ऊपर वाली कटिंग को सीधा रख देंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं इनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे जिससे सिलाई सफाई में आएंगी इस तरह का वेलक्रो का स्टिकर मार्केट में आसानी से मिल जाता है इसको चार इंच पर निशान लगा लेंगे और कट कर लेते हैं अब नीचे वाले कटिंग को बीच में से फोल्ड करके सेंटर की निशानी लगा लेंगे इसके ऊपर हुक बटन की दोरी अटैच कर लेंगे दोरी को चारों साइड से इस तरह सिलाई लगा लेते हैं तो दोरी की सिलाई पक्की हो जाएंगी मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है धागे को कर लेते हैं कट बेलक्रोय को खोल लेंगे एक भाग लेके उसको इस तरह रख के इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं चारों साइड से सिलाई लगा लेना है दूसरे वाले कपड़े पर भी वेलक्रो का दूसरा पार्ट रख के चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है अब दोनों कटिंग को एक के ऊपर एक रख के तीनों साइड से सिलाई लगा लेंगे नीचे के साइड से भी सिलाई लगा लेंगे और तीसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे चेन के ऊपर से सिलाई लगाते हुए यह ध्यान देना है थोड़ी आराम से सिलाई लगाना है नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ भी कट कर लेते हैं कपड़े को कट कर लिया है यहाँ पर गोटापट्टी के लिए इसको नीचे के साइड से आधा इंच दबा देंगे इसको हम पीछे के साइड से लगा रहे हैं कॉर्नर से पूरी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे सुई को कपड़े के अंदर रख के फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड करने को आसान जाएगा अब नीचे के साइड से भी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी सुई को अंदर रख के फिर फोल्ड करेंगे इस साइड से भी पूरी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर भी आधा इंच कपड़े को नीचे के साइड से दबा देंगे पूरी सिलाई ले लेते हैं पॉकेट को कर लेंगे सीधा और लेस को ऊपर के साइड से पलट लेंगे और पलट के उसके ऊपर लगा लेते हैं सिलाई इसको थोड़ा प्रेस करके सिलाई लगाते हैं इस तरह लेस के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर कपड़े को थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे नीचे के साइड से भी सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पर भी कपड़े को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे मैंने यहाँ पर तीनों साइड से गोट लगा लिया है गोट के ऊपर मैं और एक लेस लगाऊंगी इस तरह की एक मोती की लेस ली है लेस को कॉर्नर से फोल्ड करके गोट के ऊपर रख के सिलाई लगा लेते हैं पा बढ़िया सा मोबाइल पॉकेट कवर तैयार हो गया है इस तरह का मार्केट में हुक बटन मिल जाता है इस हुक बटन को अटैच दोरी के अंदर डाल देंगे इस तरह हुक बटन लगाने से हम इसको कमर में टांग सकते हैं या फिर आप दोनों साइड से डोरी भी लगा सकते हैं इस तरह हमारा ऊपर एक छोटा पॉकेट भी तैयार हो गया है इसमें आप पैसे या चाबी भी रख सकते हैं और दूसरे साइड में मोबाइल रख सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना थैंक्स फॉर वॉचिंग